light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want to get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अहमदाबाद घूमने के लिए आए हैं संक्रांति पर, यानी कि उत्तरायण पर। तो यहाँ पर हमारी चाची जी रहती हैं, तो उन्होंने बनाए हैं। एक ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया था, बस उसको उसमें वॉइस ओवर नहीं किया था, लेकिन इसमें कर दे रही हूँ। तो मेरे चाची जी ने मंगोड़े बनाए थे, तो उसका नमक टेस्ट करा रहे थे कि मेरे हस्बैंड से नमक टेस्ट कर लो आप, कैसा है, सही है तो ठीक है, नहीं है कम है तो और डाल लूँ। तो ये है चाची जी की छोटी सी क्यूट सी बेबी। और हाँ, मैं आप लोगों को पहले ही एक बात बता देती हूँ, ये वहाँ का ब्लॉग है वो मैं दो ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको पसंद आए, चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। गाइस, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाती हो, क्योंकि आप लोग सोचो मैं इतने दूर गई वहाँ का टूर, एक दिन में तो नहीं, एक वीडियो में तो नहीं समा सकता, इसलिए मैं दो या तीन वीडियो में पार्ट करके डाल दूँगी। तो ये पहला पार्ट है, तो दूसरा पार्ट और भी आएगा इसके बाद। तो अगर वो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो देख लीजिए मंगोड़े बनना, ये चाची जी का रूम है, बस खा पी के फिर हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो देख लीजिए, मैं चाची जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी अपना। तो बताइए आपको मेरी चाची जी का घर कैसा लगा। तो वहाँ पर हम इसी तरीके से टाइम पास कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और बस तैयार थे घूमने के लिए। मैंने कहा बस कब घूमने के लिए जाएंगे। और ये है चाची जी की क्यूट सी बेबी, क्योंकि पानी मांग रही थी, मुझे पानी पीना, और ऐसे मस्ती मजाक चल रहा था और ऐसे टाइम पास हो रहा था। मैंने कहा मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा दिया था कि मैं वीडियो में आ ही नहीं पाती, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं वीडियो में आ नहीं पाती हूँ। तो देख लीजिए, अब चाची जी बनाएंगे पूड़ियाँ, फिर खा पी के हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो पूड़ियाँ तल रही हैं, चाची जी पूछ रही हैं कि तुम ये वीडियो क्यों बना रही हो, तो किसी पे डालते हो। मैंने कहा हाँ, मैं YouTube पे डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अपने रिश्तेदार को बताया नहीं है कि मैं YouTube पे वीडियो डालती हूँ, बस यही बातें हो रही हैं। और पूड़ियाँ बन रही हैं, बस खा पी के फिर मंगोड़ी भी बनेंगे, फिर खा पी के बस फिर घूमने के लिए जाना है। और चलो बता देती हूँ आप लोगों की कि मैं कहाँ घूमने वाली हूँ। और अहमदाबाद आई हूँ, इतनी दूर तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो घूमना बनता ही है। और वैसे तो टाइम नहीं था, सिर्फ दो दिन के लिए घूमने आए थे, तो दो दिन में जितना हो सका हम घूमें, और फिर क्या कर सकते हैं भाई, है ना, जितना घूम रहे हैं बस बहुत है, आए यहाँ तक। और बहुत सारे हम लोगों को गिफ्ट भी मिले हैं, वो भी मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी कि हमने वहाँ पे जाके क्या ख़रीदा और क्या गिफ्ट मिले हैं हमें वहाँ पे जाकर, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चाची जी ने नमक ऐड नहीं किया था दाल में, क्योंकि नमक ऐड कर देते हैं दाल में, मंगोड़े की दाल जो पीसते हैं तो नमक ऐड कर देते हैं, तो नमक से क्या होता है कि दाल एकदम पतली हो जाती है और फिर मंगोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो सब कुछ ऐड करके रख दिया था, हरी मिर्ची, धनिया, सब कुछ, बस नमक ऐड नहीं किया था। तो अब नमक ऐड कर रही हैं, फिर नमक ऐड करने के बाद फिर वो बनाएंगे छोटे छोटे से टुकड़े से, मतलब छोटे छोटे जैसे पकौड़ी टाइप के होते हैं ना, इस तरीके से बनाएंगे। बस पूड़ियाँ बन चुकी हैं और मंगोड़े तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने दो तरह की दाल भिगोई थी, दो तरह की दाल के मंगोड़े बना रहे थे। एक दाल थी मूंग की दाल, और दूसरी दाल है लाल वाली मसूर की दाल, दोनों के बहुत अच्छे लगते हैं। और मसूर की दाल में नमक उन्होंने ऐड कर लिया है, और मूँग की दाल बाकी है तो उसमें भी वो ऐड कर दे रही है। और फिर देख लीजिए हो गया है रेडी, बन रहा है खाना। तो खा पी के फिर बस हम घूमने के लिए निकल गए चाची जी की गाड़ी लेकर। फिर हमने कहा चलिए फटाफट से आप लोगों को भी दिखा देते हैं, वो मेरे हस्बैंड है, ये मेरी चाची जी हैं, और ये चाची जी की लड़की है छोटी सी। तो मैं बोल रही थी कि कैमरे में आओ आओ, वो चेहरा नहीं दिखा रही थी कैमरे में। और आगे मेरे चाचा जी हैं, वो बैठे हुए हैं, और पीछे हम लोग बैठे हुए हैं, और उनका जो एक दोस्त है यानी कि फ्रेंड है वो बैठा हुआ था, क्योंकि नहीं पता था कौन कौन सी जगह से जाना है।
तो चलिए देखाती हूँ थोड़ा बहुत बाहर का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अपन कहीं भी पहली बार जाएं तो अच्छा तो लगने वाला ही है। तो देख लीजिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, पर ना आप लोग इस सब चीज़ को मिस करोगे, इसलिए मैंने देखा तो आप लोगों को भी देखना ज़रूरी है ना। तो कार में घूमने के लिए जा रहे थे हम, देख लीजिए है ना। तो वहाँ पे जाकर भी बहुत ज़्यादा मस्ती करी हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। लेकिन एक बात है, हम गए थे कांकड़िया, जो कांकड़िया है बोलते हैं वहाँ पे, आप लोग शायद जानते हो कि वहाँ पे, बस कांकड़िया में गए थे। वहाँ पे जैसे कि चिड़ियाघर भी था और बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए थी, तो बहुत अच्छा। लेकिन चल चल के थक गए थे हम, बस मज़ा बहुत आया वहाँ पे। तो देख लीजिए पहुँच गए हैं, तो सबसे बड़ा तालाब है, काकड़िया तालाब बोलते हैं इसे, बहुत अच्छा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, और इसमें बोटिंग भी होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बोटिंग देख लीजिए। तो आगे वाले वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल पास से बोटिंग दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से हो रही है। तो सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे, बैठ के फ़ोटो खींच रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, हम लोग चलते जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर, ऐसा लग रहा था समंदर होता, समंदर में बोटिंग हो रही है, इस तरीके का फील आ रहा था। तो देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अपने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें मैं बहुत पास से आपको बोटिंग दिखाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया हाथ में फ़ोन और कैमरा ऑन कर लिया है, और मैं चलती जा रही हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कहीं भी बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ, बिना मास्क के नहीं जाना है। तो मैं मास्क, सब लोग मास्क लगा के गए थे, तो मैं चलती जा रही हूँ वीडियो बनाती जा रही हूँ, और आप लोग भी देखिए भाई, देख लीजिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए फ्रेंड्स, आप लोग करते नहीं हो, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आए हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपनी वाइफ के साथ, कोई भाई बहन के साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ, मतलब पूरा भरा पड़ा था इस जगह। और यहाँ पे क्या है पता, मेला जैसा भी होता है ना, बच्चों के जो झूले होते हैं वो भी लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बंद था, अभी खुला नहीं, चालू नहीं था, वो जगह बंद थी अभी। तो हम लोग चल रहे हैं, तो चलते चलते हम लोग जब थक गए, तो फिर हमने कहा चलो एक जगह पर बैठकर वीडियो थोड़ा सा शूट करते हैं। बैठने के लिए जगह तालाब है, तालाब के चारों साइड बैठने के लिए जगह है। तो ये हमारे चाचा जी थे, और ये चाचा जी की लड़की, और ये हमारी चाची जी हैं। तो हम चार पांच लोग ही घूमने के लिए गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो वीडियो शूट करना बनता है ना। देख लीजिए कितना बढ़िया व्यू आया हुआ है ना। तो अब दिखाती हूँ, आगे चलती हूँ, ये देख लीजिए कितनी मछलियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ पे, अभी नंबर लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट लेने के लिए, और जो जेंट्स लोग, लड़के लोग टिकट ले रहे थे, उसकी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो उन्होंने फिर बोला, मुझे बुलाया कि जो लेडीज़ की लाइन है, वहाँ लाइन थी नहीं, बस जाओ तुरंत टिकट लेकर आओ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर मैं तुरंत टिकट लेकर आ गई, और फिर हम लोग गए अंदर घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं पता, ये लाइन लग रही है, देख लीजिए आप, ये लाइन लगी हुई है जहाँ पे वो सांप होते हैं, सांप यानी स्नैक्स होते हैं, स्नैक होते हैं ना, वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े अजगर यानी कि एनाकोंडा होते हैं, क्या बोलते हैं वो, है बहुत बड़े बड़े। तो मैंने कहा आप लोगों को तो दिखाना बनता ही है, मैं देख लूँ तो आप लोगों को बनता है, मैं दिखाते। एक तो इतना बड़ा था कि एक छोटे से बच्चे को आसानी से निकल सकता है, इतना बड़ा था। तो देख लीजिए अभी दिखाती हूँ आपको, और एक दो नहीं बहुत सारे, और सब लोग अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच रहा, कोई वीडियो बना रहा है, सबके सब लगे पड़े थे। तो हमने कहा हम भी बना लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन चल रही थी, तो देख लीजिए अभी यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से कि कितने बड़े बड़े जो अजगर थे, देख लीजिए दिख रहा ना, ये तो छोटा सा है, लेकिन आगे बहुत बड़े बड़े अजगर हैं, जब आप देखोगे ना तो बहुत तो डर लगाएगा। तो लाइन में चल रहे थे, तो ये देख लीजिए दिख रहे हैं, पड़ा हुआ है ना साइड में, एक नहीं है चार पांच, और ये देख लो कितने सारे पड़े हुए हैं।
तो देख लीजिए, ये देखो लकड़ी लगी हुई, कुछ लकड़ी पर लटक रहे होंगे और कुछ बैठे हुए होंगे। वो सामने देखो, सामने जो गेट हुआ और गेट के पास में बैठा हुआ है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ, ये देख लीजिए कितने सारे एक साथ पड़े हुए हैं, पड़े हैं ना। और दिखाती हूँ आगे आपको, वो देख लीजिए लास्ट में दिख रहा है एक बहुत बड़ा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो सबसे बड़ा वाला है ना, वो अब शायद उसी का नंबर है, उसका नंबर है नहीं शायद इसके बाद है। देख लीजिए वो पीछे दिख रहा है कितने सारे चल रहे हैं, देख लीजिए वो देखो ऊपर अपना गर्दन उठाए खड़े हुए हैं, देख लीजिए। शायद मेरे ख्याल से ये अजगर ही है ना, आप लोग ज़रूर बताना अजगर ही है ना। तो आप दिखाते हैं चलिए, बड़ा सा मोटा सा जो एनाकोंडा है वो, और मुझे नहीं पता एनाकोंडा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसे अंदाजे से बोल दिया है। आप लोग कुछ कमेंट मत करना भाई, क्योंकि मुझे पता, ये देख लीजिए सबसे बड़ा ये है, देख लीजिए पूरा एक है, इसका वजन वजन भी सब लिखा हुआ था, है ना कितना बड़ा भयंकर, इसका वजन कितना किलो है, कितना बड़ा है, कितना वो सब इस पर लिखा हुआ था। तो अब हम वहाँ से जो सांप वाप दिखते हैं वहाँ से बाहर निकल आए हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने कहा इसको दो पार्ट में बना देंगे। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बोटिंग वोटिंग सब कुछ है उसमें, तो इंजॉय कर लेना। अब इंजॉय करोगे ही मुझे पता है 100%। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट ब्लॉग का बिल्कुल भी इंतजार करना, बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ठीक है। यूं ही आपको घुमाते रहेंगे, आपको फिराते रहेंगे। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।